तो फ्रेंड्स, हाउ टू जेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 15 फीट बाई 30 फीट में ही प्लान बना हुआ है, जो कि 50 गज में होगा। इस हाउस डिज़ाइन से आप 400, 450, 500 स्क्वायर फीट तक आप आइडिया ले सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसकी चौड़ाई की बात करें तो आपकी 15 फीट होगी, जबकि इसकी लंबाई 30 फीट होगी। इस साइड देखो तो आपको मेन गेट मिलेगा। मेन गेट की चौड़ाई की बात करें तो हमने 5.5 फीट का साइड देखा तो मेन गेट दिया है। इसमें इसी में आपकी बाइक वगैरह सब इजीली एंटर हो जाएगा। इसी से एंटर होती काफ़ी बड़ा आपको पार्किंग एरिया मिलेगा। इस पार्किंग एरिया की बात करें तो आपकी 6 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 12 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसी में आपके टू व्हीलर वगैरह सब आपका ईजिली पार्क हो जाएगा। इसी साइड आप सेफ्टी टैंक या वाटर टैंक भी ईजिली आप बना सकते हैं। इस साइड देखो तो आपको स्टेयर्स मिलेगा। स्टेयर्स की चौड़ाई की बात करें तो आपकी 2.5 फीट होगी, जबकि इसकी लंबाई जो होगी वो 12 फीट होगी। इस साइड देखो तो आपको एंट्रेंस गेट मिलेगा, जो कि हमने 3 फीट का साइड देखो तो गेट प्रोवाइड किया है। इस गेट से एंट्र होती काफ़ी बड़ा आपका लिविंग कम डाइनिंग हॉल मिलेगा, काफ़ी बड़ा होगा। इसके एरिया की बात करें तो आपकी 8 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 10 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसी में आप इस साइड बैठ कर डिनर वगैरह कर सकते हैं, गेस्ट वगैरह के साथ बैठ सकते हैं। प्लस इसी साइड देखो तो इसी के सामने आपको एक और गेट मिलेगा, जो कि हमारे किचन का गेट होगा। इस साइड देखो तो हमने 2.5 फीट का गेट प्रोवाइड किया है, जो कि काफ़ी बड़ा किचन होगा। इस साइड देखो तो इसका गेट से एंट्र होती काफ़ी बड़ा आपको किचन मिलेगा। अब इसके एरिया की बात करें तो आपकी 6 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 6.5 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसी में आपके सिंक और चूल्हे वगैरह सब आपका इजली एडजस्ट हो जाएगा। स्लैब वगैरह, रैक्स वगैरह आप बर्तन वगैरह रख सकते हैं। प्लस इसका वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने साइड देखो तो विंडो प्रोवाइड किया है, जो कि इसका प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। इसमें रोशनी और ताज़ा वगैरह भी आती रहेगी। साइड से देखो तो आपको एक और गेट मिलेगा, ठीक इसी के आपको सामने एक और गेट मिलेगा, जो कि हमारे टॉयलेट कंबाइन बाथरूम का गेट होगा। इस साइड देखो तो हमने स्पेस छोड़ा है, काफ़ी बड़ा स्पेस होगा। इसी में आपके वॉश बेसिन वगैरह आप लगा सकते हैं। साइड देखो तो आपका हैंड वॉश वगैरह करने के लिए साइड देखो तो हमने 2.5 फीट का गेट प्रोवाइड किया है। इस गेट से एंट्र होती काफ़ी बड़ा आपको टॉयलेट कंबाइन बाथरूम मिलेगा। इस के एरिया की बात करें तो आपकी 4.5 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 6.5 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसी में आपके टॉयलेट सीट, बाथरूम वगैरह सब इसका ईजिली एडजस्ट हो जाएगा। प्लस साइड देखो तो इसका वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इसमें विंडो प्रोवाइड किया है, जो कि इसका वेंटिलेशन होता रहेगा। साइड देखो तो आपका 4x4 का आप एक ओपन जार डालेंगे, जिसके द्वारा रोशनी और ताज़ा वगैरह भी आती रहेगी। इसका फर्स्ट बेडरूम मिलेगा। साइड देखो तो हमने 3 फीट का गेट प्रोवाइड किया है। इस गेट से एंट्र होती काफ़ी बड़ा आपको बेडरूम मिलेगा। ग्राउंड फ्लोर पर फर्स्ट बेडरूम होगा ये आपका। इसके एरिया की बात करें तो आपकी 9.5 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 10 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपके डबल बेड्स, सिंगारदान वगैरह सब आपका इजली एडजस्ट हो जाएगा। साइड देखो तो इसका वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने साइड देखो तो एक विंडो प्रोवाइड किया है, जो कि इसका प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा और रोशनी और ताज़ा वगैरह भी आती रहेगी। अब इसके सेकंड बेडरूम की बात करें तो ठीक इसी के सामने आपको एक और गेट मिलेगा, जो कि हमारे सेकंड बेडरूम होगा। इस साइड देखो तो हमने इसमें भी 3 फीट का गेट प्रोवाइड किया है। इस गेट से एंट्र होती काफ़ी बड़ा आपको इस साइड जगह तो बेडरूम मिलेगा। इस बेडरूम की एरिया की बात करें तो आपकी 8 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 9 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसी में आपके टीवी यूनिट्स, पैनल्स, विंडो वगैरह इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इसमें विंडो भी प्रोवाइड किया, जो कि इसका प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। इसमें रोशनी और ताज़ा वगैरह भी आती रहेगी। आप चाहें तो इसके आइडियाज़ ले सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा। अब इसकी टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो 6 लाख इसकी टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आने वाली है। आप चाहें तो बनवा सकते हैं। वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो करना लाइक, चैनल करना सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।